जीव के पीछे रे हुई रही सबकी ख्वारी। कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलाया और कहा, अरे बहन इधर आओ, एक मेरी बात सुनो। एक दो चार दिन का बालक है, वो मरा नहीं है। मैंने हर किसी को भेजा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कर कि मेरा काल कैसा है, मोटा है या पतला है या गोरा है या नीला है, किसी ने कुछ नहीं बताया आकर। तो पूतना बोली, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा दाएं और बाएं हाथ का खेल है। बोली, भैया चिंता ना करो, जितने भी बालक गोकुल में एक एक महीने या दो दो महीने के हैं, मैं उन सभी को मार कर आऊंगी, कोई भी तो काल होगा उसमें आपका। आज पूतना बोली, भैया चिंता ना करो, मैं आपके काल को अवश्य मार कर आऊंगी। क्या बोली है पूतना, भैया चिंता ना करो, और क्या कहती है।